अध्यक्ष महोदय, खंड एक, विधानसभा क्षेत्र पीलीबंगा का विगत 3 वर्षों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विवरण निम्न प्रकार है। खरीफ 2020 सृजित पॉलिसियों की संख्या है 51,220, लाभान्वित पॉलिसियों की संख्या है 23,065। रवि 2020-21 सृजित पॉलिसियों की संख्या है 42,323, लाभान्वित पॉलिसियों की संख्या है 9,600। खरीफ 2021 सृजित पॉलिसियों की संख्या है 4,42,601, लाभान्वित पॉलिसियों की संख्या है 2,20,298। रवि 2021-22 सृजित पॉलिसियों की संख्या है 3,19,820, लाभान्वित पॉलिसियों की संख्या है 82,616। खरीफ 2022 सृजित पॉलिसी संख्या है 4,77,754, लाभान्वित पॉलिसियों की संख्या है 72,028। रवि 2022-23 सृजित पॉलिसियों की संख्या है 3,37,203, बीमा क्लेम गणना प्रक्रियाधीन है। खंड 2 जी नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत अधिसूचित बीमा इकाइयों में अधिसूचित फसल में योजना प्रावधानों के अंतर्गत दर्ज की गई उपज क्षति के अनुरूप बीमा क्लेम बीमा कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से बताना चाहता हूँ, जो पॉलिसियाँ ब्यौरा दिया गया है उनमें नाम मात्र का क्लेम दिया गया है, किसी में 100 रुपये हैं, किसी में 200 रुपये हैं, किसी में 1,000 रुपये हैं, किसी 5,000 रुपये हैं। तो मौके पर निरीक्षण किए बिना ही गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करना किसानों को पूरा क्लेम नहीं मिलना, इसके अधिकारी और कर्मचारी मिलकर के इन्होंने गड़बड़ी की है, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी? नंबर 2, बीमा कंपनी अपने फायदे के लिए सरकारी कर्मचारियों से मिलीभगत करके आंकलन करती है, क्या बीमा कंपनी को ब्लैकलिस्ट करोगे जिन्होंने गलत की है? मंत्री महोदय, 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये बजाय क्यों है? प्रश्न पूछ लिया, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अध्यक्ष महोदय, पीलीबंगा में जो जिस कंपनी ने इंश्योरेंस किया उसका नाम है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और जो पॉलिसी वहाँ वितरण हुई है जिनका बीमा क्लेम मिला है उसका भी लेखा जोखा मेरे पास है। खरीफ 2000 में मिला 28,69,00,000, रवि 2020-21 में 31,13,00,000, खरीफ 2021 में 28,52,00,000, रवि 2021-22 में 23,34,00,000, करीब 2022 में 5,11,00,000, इस कुल मिला के ये टोटल होता है 20 से लेकर 22 तक 116,81,00,000 रुपये। रबी 2023 के बीमा क्लेम की पोर्टल पर गणना जारी है। फिर भी यदि आपको कोई शिकायत है आप निश्चित तौर पर लिख दें, क्योंकि जब भी ये आकलन होता है तो उसमें बीमा कंपनी का प्रतिनिधि गिरदावर पटवारी ये सब मौके पर होते हैं, और ये ऑनलाइन होता है। राजस्थान पहला प्रदेश है जिसमें 90% यह आकलन ऑनलाइन है, 10% ऑफलाइन है, और पूरे देश में हम प्रथम स्थान पे हैं। आपको कोई शिकायत है तो इसका निस्तारण राजस्थान में पहले जो कमेटियाँ बनी है वो करती है, फिर हम भारत सरकार को भेजते हैं। तो यदि कोई शिकायत हो तो निश्चित तौर पे लिख दें उनका निस्तारण। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय ये जानना चाहूँगा कि आपने सृजित पॉलिसी और लाभान्वित पॉलिसी का जो अंतर बताया वो लगभग 33% लोगों को लाभ मिला, तो इसका आधार आप करते हैं तो क्रॉप कटिंग के आधार पर करते हैं या सैटेलाइट की इमेज के आधार पर करते हैं? नंबर 1। नंबर 2, ये जो आपने कहा कि रबी 2023 की बीमा क्लेम गणना प्रक्रिया दी है, मार्च के बाद रबी की फसल भी नहीं बचती, तो आप इसकी बीमा अब इसमें गणना करने के लिए बची क्या है, ये गणना कब तक पूरी हो जाएगी? अध्यक्ष महोदय, एक तो मैंने कहा कि क्रॉप कटिंग जो एक्सपेरिमेंट है वो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार होता है, और उसमें जो जो भी वहाँ उपस्थित रहते हैं गिरदावर पटवारी बीमा कंपनी का प्रतिनिधि वो करते हैं। उसमें कोई शिकायत आती है तो बाद में वो कमेटी ऊपर जाता है, उसका भी निस्तारण होता है। पर जो बात आपने कही है 22-23 की, उसके बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि रवि 2022-23 उपज परिणामों की प्रविष्टि राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर जारी है, एवं बीमा कंपनियों को राज्यांश प्रीमियम का भुगतान भी जारी है। 1,055 करोड़ का भुगतान हम कर चुके हैं, केवल 210 करोड़ का राज्यांश प्रीमियम चुकाना बाकी है, अगले 15 दिन में वो कर दिया जाएगा। जब तक सरकार राज्यांश पूरा नहीं देगी, इंश्योरेंस कंपनी के पोर्टल पर दर्ज रह जाए, वो इंश्योरेंस का क्लेम जारी नहीं करेंगे।
अब इन्होंने बड़ी कृपापूर्वक 1000 करोड़ दे दिया, अभी 285 करोड़ रुपए जो बकाया है ये कब तक दे दोगे ताकि किसानों को? बताया ना आपको 15 दिन में भुगतान कर देंगे उसका, अगला फिर उसके बाद में भारत सरकार जो देगी उसके बाद पेमेंट हो जाएगा। अगला माननीय अध्यक्ष 484